आज नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी होगी। इस बात का ऐलान सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ही कर दिया था। यह नाटकीय घटनाक्रम उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान ने खुद आगे आके अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद दिल्ली से संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री रामलाल और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ साथ खुद सीएम की उपस्थिति में 4 घंटे की कोर कमेटी की बैठक के बाद कई नामों पर चर्चा हुई है। वो नाम थे नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र शुक्ल और सांसद राकेश सिंह। जी हाँ, जबलपुर के सांसद राकेश सिंह के नाम पर भी लंबी चर्चा हुई। चर्चा के बाद रामलाल जी तो चले गए, लेकिन बंद लिफाफे में एक नाम छोड़ गए। सागर एक्सप्रेस न्यूज के सूत्र बताते हैं कि जिस नाम पर कोर कमेटी की मोहर लगी है वो नाम जबलपुर के सांसद राकेश सिंह है। जी हाँ, राकेश सिंह वो चेहरा है जो अगले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। 1 बजे के तकरीबन इस नाम की घोषणा हो जाएगी। सागर एक्सप्रेस न्यूज। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।